हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडीज क्विक किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग नॉनवेज स्टार्टर्स, कॉड फ्रिटर्स विथ मेयो सॉस या रोहू फिश नगेट्स। ये एक नॉनवेज फिश स्टार्टर है जिसे हम रोहू मछली, सिंगाड़ा मछली या कॉड फिश के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। फिश फ्रिटर्स बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच, ओरिगैनो फ्लेक्स पाउडर 1 चम्मच, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो 1 कप, रोहू या आपकी पसंद की कोई भी फिश 1 कप, कुछ लेमन स्लाइसेस, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 अंडा और तेल तलने के लिए। सबसे पहले हम फिश पीसेस को गरम पानी में 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेंगे ताकि वो कच्चा ना रहे। बॉइलिंग के वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। फिर मछली को निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद उसमें से सारे कांटे और हड्डियाँ निकाल के अलग कर लेंगे। अब हम फिश को अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मैश किया हुआ उबला आलू। आपको कोई और भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, पिसी हुई काली मिर्च, ओरिगैनो फ्लेक्स, थोड़ा नींबू का रस, अब एक अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे और फिश के ऊपर डाल देंगे। अंडा डालने से हमें फिश पकौड़े में बाइंडिंग के लिए मदद मिलेगी। लगभग 1 कप फिश के लिए हमें 1 अंडे का इस्तेमाल करना है। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 लहसुन की कलियां। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको कुछ इस तरह से चम्मच की सहायता से या हाथों की मदद से छोटे छोटे नगेट्स के फॉर्म में तैयार कर लें। जब सारे नगेट्स तैयार हो जाएं, तो हम एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स फैलाएंगे और नगेट्स को ब्रेड क्रम्स के ऊपर रोल करेंगे। अपने हाथों की मदद से अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा के नगेट्स को कोट कर लीजिए। अब सारे नगेट्स बन चुके हैं और तैयार हैं फ्राई करने के लिए, तो आइए इनको फ्राई करते हैं। और भी एक्साइटिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अब एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल गरम करेंगे
इसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब फिश नगेट्स को एक एक करके गरम तेल में डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। जब नगेट्स गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएं, तो इसको अब हम तेल से छान के निकाल लेंगे। अब हम बाकी बचे हुए नगेट्स को भी फ्राई कर लेते हैं। हमारे कॉड फ्रिटर्स या फिश नगेट्स तैयार हैं। इसको सर्व कीजिए मस्टर्ड सॉस या मेयोनीज सॉस के साथ। गार्निश करेंगे लेमन स्लाइस और ग्रीन चिल्ली के साथ। गरम गरम सर्व कीजिए और एंजॉय करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।